ये कबूतर मर गया है, पता नहीं कैसे। मैंने एलोवेरा के तीन पत्ते काट लिए। नेक्स्ट वेजिटेबल्स हां ठीक छ। लागत तो नहीं आगे देना हमेशा पता। टेस्ट कैसा है? यूटी इट्स वेरी गुड। आई ये चीज ज्यादा खावन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो शुरू करते हैं सुबह की लिप्टन चाय से, जो कि बस मैंने इसलिए पी क्योंकि केक था, वो भी ड्राई फ्रूट वाला, अदरवाइज नहीं पीती मैं। मैं लिप्टन चाय रोज़ाना नहीं पीती, जो कि मैंने मुझे लगता है कि बहुत सारे वीडियोस में बोल दिया है। जब भी पीती हूँ शौक से पीती हूँ, बारिश के सीज़न में मज़ा आ जाता है, या तब मज़ा आ जाता है जब कुछ एडिशनल चीज़ें घर में होगी। और यहाँ मैं लग गई अपनी चीज़ों को सेटअप करने। ये कबूतर मर गया है, पता नहीं कैसे। मैं ऊपर साफ करने गई थी तो वहां पे मैंने इनको मरा हुआ देख लिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे कबूतरों ने खाया है या चूहा आया है, लेकिन ये तो बाहर वाला सेक्शन है, यहाँ पे चूहा कैसे आ सकता है, आई डोंट नो। मैंने एलोवेरा के तीन पत्ते काट लिए क्योंकि थोड़े डाल हो चुकी है सी, और उसको ऊपर रख दिया। तो ये वाले हमने बाजार से लाए क्योंकि हमें घर पे मिर्ची नहीं निकली, और ये वाले हमारे घर की है। हाइब्रिड आसान है। तो इस साल ना ही हमें मिर्चियाँ अच्छे से निकली और ना ही सेब, और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने इसी में हमारे लिए खैर लिखी होगी इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ से साफ कर रही हूँ, यहाँ पे रख रही हूँ। यहाँ मैंने अपनी मिर्ची फिर से सुखा दी, वो मैंने खेत से लाई थी तो यहाँ पे सुखाने के लिए रख दी। ये वाले सूख के है, लेकिन मम्मा ने बोला कशिर पटे शाबन हमने मोख। तो कश्मीरीज की लाइफ ऐसी है, तो कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या है, हमारे वेरेंडा पे ऐसी चीज़ें होती है। तो यहाँ की जो डस्ट निकली उसको मैं पहले डस्टबिन में फेंक लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम की डस्ट दीन वहीं पे रखी थी तो वो भी मैं ले रही हूँ, क्योंकि फिर इंसान भूल जाता है। तो ये है वो वाला शूज़ जो मिंत्रा से लाया था, पहला वाला, तो ये मैंने धोने के लिए रखा था। और ये मेरी माँ मेरी बहन का कमाल,
उसको चार कोल पे चलना पसंद है और मुझे भी चला दिया और उसका कमाल मैंने दो के बहुत घिसने की कोशिश की, नहीं उड़ गया। तो अरबीन ये तुम्हारा कमाल है। एंड दिस इज़ आवर मशरूम यूनिट। मुझे मतलब उम्मीद क्या, मुझे भरोसा है कि आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले दिखाया था कंपोस्टिंग स्पॉनिंग दिखाया था, लेकिन फिर मतलब मसरूफियात की वजह से यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और जो दिन ऑफ दिन के होते थे उन दिनों क्या मतलब घर का काम होता है तो मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब तक मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। ये वाला काम ना बहुत हेक्टिक है एंड बहुत सारे लोगों को क्या है ना कि उनको क्यूरी है कि इसको कैसे डालना है, हम क्या करें, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इससे पहले वीडियो में एक बार बोला था कि आप नियर बाई एग्रीकल्चर सेंटर जाइए, वहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन वो देंगे। उनके वो विज़िट पे भी आते हैं, इंस्पेक्शन पे आते हैं कि आप लोग कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको कैसे रखना है इसको, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, रूम कैसा होना चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन वही देंगे और बहुत अच्छे से देंगे। और ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि कोई काम आसान या मुश्किल होता है, हर किसी चीज़ में मेहनत होती है, तो ये मेहनत का रंग है और ये सारी मेहनत मेरी माँ ने की है। हाँ थोड़ी थोड़ी हेल्प मैं करती हूँ, मेरी बहन करती है, लेकिन मेन क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरी मम्मा इसको कैसे निकाल रही है, ऐसे पुल आउट नहीं करना है इसको, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज इसको निकालना है, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही निकालोगे ना इसको, इसको क्या हो जाएगा, इसको जो ये माइसीलियम ग्रोथ है वो भी निकल जाएगी। सो यू शुड टेक केयर ऑफ इट। और जो ही यूनिट एक डालते हैं ना तब हमको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मशरूम एक छोटे बच्चे की तरह है जिसको हमें केयर करनी है कि ये बीमार ना हो जाए, इसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, हमको इसको टेम्परेचर उतना देना है जितनी इसको ज़रूरत है, उससे हाई नहीं देना है, इसको ह्यूमिडिटी उतनी ही देनी है जितनी इसको ज़रूरत होगी, एक हाइजीनिक कंडीशन रखनी है, मतलब ऐसे ऐसे जैसे ना छोटे बच्चे को बीमार होता है तो उसको केयर करनी होती है वैसे। تمو سٹوڈنٹو تہ تروس مشروم ترمت خبر تمن کت گو بس نہ اڑ کر فون اس تر میڈم یہ کرو میڈم ہو کر خبر میں فکر تر پہ کور بڑس بہرس مجھ نبر کن ورنڈاس پہ اوا تاپس مزن زور پلیٹ اور جہاں جہاں ہم نے مشروم کو हार्वेस्ट किया है वहाँ वहाँ पे हमें केसिंग को फिर से डालना है। तो यहाँ मैं जा रही हूँ केसिंग नीचे से लाने, क्योंकि जो हम लोगों ने लाई थी वो ख़त्म हो गई, अब फिर से लानी है नीचे से। तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए, केसिंग इसको कहते हैं, ये कोकोपीट होता है जो कि एग्रीकल्चर वाले ही हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर हमें इसको पानी में डिप करना होता है, फिर हमें इसको एक रेशियो में मिट्टी ऐड करनी होती है, एक अच्छी मिट्टी। तो हियर इज द रिजल्ट। और हार्वेस्ट करने के बाद इनको साफ करना पड़ता है और इसके बाद इनको धोना पड़ता है। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। और जो मेरी मम्मा परसों के ब्लॉग में रेसिपी कह रही थी, हेयर इज़ दैट रेसिपी। तो ये क्वींस एप्पल्स का प्रिजर्व है।
तो बच्चे बड़े नखरेलू होते हैं तो वो ऐसे नहीं खाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक जैम की शेप दे दूँ। वैसे ये जैम ही होता है लेकिन पेक्टिन लेवल इसमें ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ मम्मा धो रही है मशरूम, आप दे सकते हो। इजी नहीं समझेगा इसको, इसको बस इतना समझेगा कि मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और यहाँ मैंने पेस्ट करके इसको एक वेसल में डाला और थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि कलर अच्छा सा हो जाए, इन्हेंस हो जाए। और यहाँ आप देख रहे हो थोड़ा सा टाइम होने के बाद इसमें अच्छा सा एक कलर आ गया, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इवन कोई भी कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा। असल में पुराने ज़माने में इसको ना कफ के लिए यूज़ किया जाता था, जिनको ज़्यादा खांसी आती थी ना उनके लिए यूज़ किया जाता था। और यहाँ मेरी मम्मा दूसरी बार इसको धो रही है, एक हाइजीनिक कंडीशन है ना बिल्कुल। ओ कैसा है तो थे टेस्ट कैसा है आई नहीं ज्यादा खावान। तो इसी के साथ करते इस व्लॉग का एंड, होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप इसको शेयर करेंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।